चलिए बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में बीजेपी विधायक संजय पाटिल के बयान से सियासी पारा अचानक चढ़ गया। संजय पाटिल ने कहा कि अगर मंदिर चाहिए तो बीजेपी को वोट दीजिए। इसके बाद से बीजेपी के खिलाफ विपक्ष हमलावर हो गया है। संजय पाटिल के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। बाबरी मस्जिद कट्टो दिदे यार टिप्पू सुल्तान जयंती माड़ो दिदे और कांग्रेस माटी अदर निम शिवाजी महाराज बेकागिद्रु संभाजी महाराज बेकागिद्रु लक्ष्मी गुड़ियाले पूजा माड़ो अंत बेकागिद्रु नीवु बीजेपी ना माड़बेक संजय पाटिल नोड़ाक होगबेड। कर्नाटक में बीजेपी विधायक का ये वही बयान है जिसकी वजह से वहां की राजनीति में भूचाल आ गया है। बेलगावी से बीजेपी विधायक ने अपने बयान में कहा था कि जो लोग बाबरी मस्जिद का निर्माण चाहते हैं और टीपू जयंती मनाते हैं उन्हें कांग्रेस को वोट देना चाहिए। जो लोग राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं और शिवाजी महाराज की जीत चाहते हैं उन्हें बीजेपी को वोट देना चाहिए। ये बयान बीजेपी विधायक के लिए गले की फांस बन चुका है। उन पर कर्नाटक के बेलगावी में उकसाने वाले भाषण देने की वजह से FIR दर्ज की गई है। कर्नाटक चुनाव में 22 दिन बचे हैं और उससे पहले बीजेपी विधायक का ये बयान साफ बताता है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। संजय पाटिल के इस बयान का विपक्ष पुरजोर विरोध कर रहा है। भारत संविधान से चलता है और सबके सब संविधान पर शपथ करना पड़ता है। ये मालूम रहते हुए ये चुनकर आने वाले विधायक या बीजेपी के जिम्मेदार शख्स ऐसी बात कहते हैं तो ये खुल्लम खुल्ला संविधान का उल्लंघन है। कर्नाटक चुनाव में इस बार विकास और रोजगार का मुद्दा गायब है। सियासी पार्टियां धर्म और जाति के सहारे ही चुनावी नैया पार करने में लगी हैं। राहुल गांधी से लेकर अमित शाह और येदुरप्पा से लेकर सिद्धारमैया सभी मंदिर और मठ के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी विधायक का ये बयान उसी की एक कड़ी मानी जा रही है कि चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बना दिया जाए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये हम आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। कर्नाटक में करीब 14% मुस्लिम आबादी है। उत्तर कर्नाटक में तो मुस्लिमों का ही दबदबा है। गुलबर्ग, बिदर, बीजापुर, रायचूर और धारवाड़ जैसे इलाकों में मुस्लिम वोटर किंग मेकर माने जाते हैं। विधानसभा की 60 सीटों पर मुस्लिमों का प्रभाव माना जाता है। कर्नाटक चुनाव को लेकर अमित शाह और सीएम सिद्धारमैया के बीच सीधी जंग छिड़ गई है। इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। कर्नाटक चुनाव में अमित शाह पर सीएम सिद्धारमैया का सीधा वार। सीएम सिद्धारमैया ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को बताया गैर हिंदू। कर्नाटक में चामुंडेश्वरी विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल करने से पहले सीएम सिद्धारमैया ने चामुंडेश्वरी मंदिर में जाकर जीत के लिए प्रार्थना की। इस दौरान सिद्धारमैया के साथ उनके बेटे भी थे। नामांकन दाखिल करने के बाद सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने सियासी विरोधी अमित शाह पर जोरदार हमला साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह मुझे हिंदू विरोधी बता रहे हैं जबकि खुद शाह हिंदू नहीं है बल्कि वो जैन है। सिद्धारमैया हिंदू विरोधी अमित शाह सिद्धारमैया अहिंदू ಅಂತ ಹೊಸ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಹಿಂದೂ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಹಿಂದೂನೇ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಹಿಂದೂನಾ ಇಸ್ ಎ ಜೈನ್ ಇಸ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಇಸ್ ಎ ಜೈನ್ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಜೈನ್ ಅಂತ। सीएम सिद्धारमैया का ये पलटवार अमित शाह पर इसलिए है क्योंकि अमित शाह ने कुछ दिन पहले ही सिद्धारमैया को हिंदू विरोधी बताया था। अमित शाह ने आरोप लगाया कि भगवा और हिंदू आतंकवाद का इस्तेमाल कर कांग्रेस ने पूरे विश्व में भारत को बदनाम किया है। यही वजह है कि सिद्धारमैया ने अमित शाह को निशाने पर लिया। लेकिन सिद्धारमैया के आरोपों का जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने खुद मोर्चा संभाला और कहा कि कांग्रेस चुनाव में हार के डर से बकवास बातें कर रही है। अमित शाह जी पर अहिंदू होने का आरोप लगाया, हम इसको पूरा खंडन करते हैं। 7 पीढ़ियों से और पहले से ही अमित शाह सनातनी, पक्के सनातनी हिंदू है और इसमें
कोई छुपाने वाली बात नहीं होती, लेकिन इतनी घिनौनी हरकत अगर कोई मुख्यमंत्री रहकर करेगा तो ये उनकी मानसिकता और कांग्रेस का चरित्र दिखाता है। कर्नाटक चुनाव बयानबाजी को लेकर काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। इस बीच बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में 59 उम्मीदवारों के नाम हैं। इससे पहले दो लिस्टों में पार्टी ने 154 नामों का ऐलान किया था। इस तरह से बीजेपी अब तक अपने 213 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। वहीं कांग्रेस अपनी पहली ही लिस्ट में 218 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है। आपको बता दें कि साल 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने 122 सीटें जीतकर राज्य में सरकार बनाई थी, जबकि बीजेपी और जेडीएस के खाते में 40-40 सीटें आई थी। इस बार कर्नाटक में एक फेज में 12 मई को मतदान होगा, जबकि 15 मई को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।